अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने कालाढूंगी चौराहे पर स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने सरकार से मांग की कि रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रतन टाटा को बहुत पहले ही भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए था। जिलाध्यक्ष डिंपल पांडे ने कहा कि रतन टाटा न केवल व्यापारियों के लिए मार्गदर्शक हैं, बल्कि टाटा समूह ने दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार देकर उनके सपनों को पूरा किया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता अनुज कांत अग्रवाल ने कहा कि रतन टाटा का निधन पूरे विश्व के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसकी भरपाई कई दशकों में नहीं की जा सकती। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसको कि हम लोग कभी कई एक शताब्दियों तक पूरा शायद न हो सके, ऐसा मेरा मानना है। और जो आज हम लोगों के पे ये एक भारत देश के एक महान जो आत्मा थी, जो आज परमात्मा से विलीन में विलीन हो गई है, उनको हम सब अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और जो उनके बताए हुए जिस तरह से वो इसलिए दी गई है कि ये बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उद्योग जगत में इनका नाम काफ़ी था, और इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या नहीं किया। इनके बोलना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इन्होंने समाज के स्वास्थ्य विभाग हर चीज़ में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतने दानवीर एक कर्ण थे और दूसरे ये हमारे व्यापार मंडल द्वारा जो श्रद्धांजलि जा रही है, क्योंकि हमारे व्यापारियों के पूरे भारत के लिए पूरे विश्व के आदर्श थे, और उनके जो है उन्होंने जो गरीबों का मसीहा बोला जाता था, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हमारे संगठन की तरफ से। और सरकार से निवेदन भी है आपके चैनल के माध्यम से कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो पहले बहुत पहले दे देना चाहिए था, सरकार ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं करा। और हम सब व्यापारियों को की ओर से वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर सरकार उनको भारत रत्न देती है मरणोपरांत। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो सभी, ये सिर्फ एक जाति नहीं और एक राज्य नहीं, एक देश ही नहीं, समस्त विश्व उनको आदर्श मानता था और व्यापारियों के मसीहा भी थे।